वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टूडे वी रीड SST। आवर टॉपिक इज नेशनल फेस्टिवल। आज हम नेशनल फेस्टिवल के बारे में रीड करेंगे। नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार का मीन्स है कि हमारे पूरे भारत में जो हॉलीडेज मनाई जाती हैं उन दिनों ये फेस्टिवल्स होते हैं। इन सभी फेस्टिवल्स में हमारे पूरे भारत में सभी कर्मचारियों की छुट्टी होती है, मतलब एम्प्लॉयज़ की हॉलीडेज होती हैं। जो दफ्तर में काम करते हैं उनके, ऑफिस वालों की, स्कूल्स की, बैंक की, सब जगह की छुट्टी मनाई जाती है। तो चलो बच्चों, आज हम फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार नेशनल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारत के त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ इंडिया कंटेंट्स नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं इसमें हमारे देश के लिए जो फेस्टिवल बनाया जाता है, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इनमें हमारे लीडर्स के बारे में और उनके लिए ये फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। और रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं वो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं, जो हमारे धर्म के सभी भाई बहन बनाते हैं। ये हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं। 26 जनवरी में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। और आगे जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं पूरे देश में, ये भी पूरे देश में मनाए जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, आगे दीपावली, होली, क्रिसमस, दशहरा, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद उल फितर, रक्षाबंधन, पोंगल, गुरु पर्व, महाशिवरात्रि, लोहड़ी, ये सभी त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। तो हमारे पूरे भारत में इन त्योहारों को मनाया जाता है। और पूरे भारत में सभी जगह की छुट्टी मनाई जाती है और इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी को स्कूलों में और दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है और 15 अगस्त को भी और गांधी जयंती को भी। दीपावली पे लोग अपने घरों में दिए और लाइट्स लगाते हैं, फुलझड़ियाँ और पटाखों से
खेलते हैं और एक दूसरे के घरों में मिठाई देते हैं और गले मिलते हैं। दिवाली का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली भी रंगों का त्यौहार है। इसमें भी सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और गले लगते हैं और रंग लगाते हैं। क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है और लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, अपने घर को सजाते हैं और क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और चर्च को डेकोरेट करते हैं और बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। दशहरा में रावण को जलाया जाता है। दुर्गा पूजा में नवरात्रि का ये त्यौहार होता है। इसमें सभी लोग व्रत रखते हैं और दुर्गा पूजा की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी में कृष्णा जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी में लोग गणेश जी को अपने घर में रखते हैं और फिर इसका विसर्जन करते हैं। ईद रमजान में मनाई जाती है और ये मुस्लिम फेस्टिवल होता है। इसमें मुस्लिम बहन भाई एक दूसरे को गले लगते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और घर में सिवाई मनाई जाती हैं। ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहन भाई के प्रेम का प्रतीक का फेस्टिवल है और इस त्यौहार में बहनें भाइयों को राखी बांधती है और भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं। पोंगल हार्वेस्टेड फेस्टिवल होता है। इसमें अनाज की कटाई होती है और नए अनाज की उगाई होती है। गुरु पर्व में गुरुदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। शिवरात्रि में शिव जी की पूजा की जाती है और शिव की बारात निकलती है, इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लोहड़ी में पंजाबी लोग डांस करते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। ये पंजाबियों का त्यौहार होता है, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सभी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। जो भी त्यौहार हमारे भारत में मनाए जाते हैं इनको नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।